हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सपोर्ट चैनल और ये देखिए एक्वा ग्रांट। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसको प्योर वाटर का जो स्पीड है सो पता चलेगा। और आप देख सकते हैं और ये इतना कम पानी आ रहा है, प्योर वाटर का जो स्पीड है, जो जनरल इसका जो स्पीड होता है उसका लगभग 20 से 30% के आसपास है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो सोलनॉइड बल्ब तक जो पानी आ रहा है उसका आउटपुट पाइप का फोर्स कितना है। और ये देखिए पंप का जो इनपुट का पाइप है वहाँ से एसवी का आप देख रहे हैं एक एरो भी दिया हुआ है, उसमें एक अलग से पाइप लगा करके। और इसका मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ, ये जो सेडिमेंट कार्बन से पानी जो आउट हो रहा है उसका। आखिर में इससे ये पता चलेगा कि सोलनॉइड बल्ब से जो पानी आ रहा है उसका स्पीड कितना है। और आप देख सकते हैं इसका स्पीड कितना कम आ रहा है, यानी इसी के आसपास सेडमेंट कार्बन का फ्लो होगा। फिर भी मैं आपको सोलनॉइड बल्ब का जो इनपुट का पाइप है मैं उसको वहाँ से पानी का फोर्स आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए फिर से आरओ सिस्टम को ऑफ करते हैं। इस सेडमेंट कार्बन का जो फ्लो है, चूँकि इस सिस्टम में पावर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो सेडमेंट कार्बन का फ्लो है आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो आ रहा है। अब इस सिस्टम को डायरेक्ट रन करा करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि इसका प्योर वाटर का फोर्स जनरली सेडमेंट कार्बन के कारण कम है या मेम्ब्रेन पंप के कारण भी। तो फिर से इस सिस्टम को रन करेंगे डायरेक्ट पानी से, फिर से इसका जो डाइवर्टर सेट का की है उसको नीचे से बंद करते हैं। और देखिए इसका जो प्री फिल्टर है उसके अंदर स्पन फिल्टर लगा हुआ था, उसको चेंज कर दिया गया है, यानी उधर कोई ट्रबल नहीं। आप देख सकते हैं आपको सामने एक स्पन फिल्टर ब्लैक कलर का पड़ा हुआ दिख रहा है, यानी वो बिल्कुल काला हो गया था, उसको चेंज कर दिया गया था। और ये रहा प्री फिल्टर का पाइप जिसको डायरेक्ट पंप से कनेक्ट करके तब दिखाते हैं जो प्योर वाटर का फ्लो आ रहा है। ऐसे इसका एसवी से भी कनेक्शन किया जा सकता है क्योंकि एसवी बिल्कुल सही है। एसवी का फ्लो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एसवी का फ्लो सही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पंप का साउंड वगैरह सही आता है। और देखिए सबसे पहले डाइवर्टर सेट का की का जो कंडीशन है वो ऑफ अवस्था में था और अभी ऑन कर दिया गया है। अब आप देखिए इसका सोलनॉइड बल्ब का फ्लो, और देखने से आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि काफ़ी तेज़ है, यानी सोलनॉइड बल्ब बिल्कुल क्लियर है। अब इसका कनेक्शन हम पंप से डायरेक्ट करते हैं। अब फिर देखिए जो इसका प्योर वाटर का फ्लो आता है वो कितना तेज़ी से आता है, उससे पता चल जाएगा कि प्योर वाटर का स्पीड किस कारण से कम आ रहा था। और बीच बीच में कॉर्ड निकालते रहना है क्योंकि देख सकते हैं सामने एक माइक्रो स्विच है फ्लोट बल्ब का, कभी कभार उसमें हाथ टच हो जाने से करंट आता है। जनरली किचन में काम होता है तो आदमी नंगे पाँव काम करता है, जो भी आरओ टेक्नीशियन होते हैं वो। और देखिए कनेक्शन हो गया है डाइवर्टर सेट से, जो की है वो भी ऑन है। और अभी आप देखेंगे प्योर वाटर का स्पीड, और धीरे धीरे इसका प्योर वाटर का स्पीड आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे पंप को भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है वैसे पंप पानी को और तेज़ी से बूस्ट कर रहा है और प्योर वाटर का रफ्तार बढ़ता जा रहा है। अभी जो पानी का स्पीड है पहले से जस्ट दोगुना है, दोगुना से भी आप ज़्यादा इसको मान सकते हैं। अब दिखाते हैं इसमें नया सेडमेंट कार्बन डाल करके। और ये रहा उसका सेडमेंट कार्बन, एक स्टिकर है जो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है लेकिन उससे पता चल रहा है कि दोनों फिल्टर ओरिजिनल है, जिस समय सिस्टम लिया गया था वही, और आज तक चेंज नहीं हुआ है। और ये रहा यूवी चैम्बर,
उसको सेट कर दिया गया। और ये देखिए मेम्ब्रेन हाउसिंग, और ये कार्बन फिल्टर का आउटपुट से पाइप चलाया है सोलनॉइड बल्ब के अंदर में, और सोलनॉइड बल्ब से पंप के अंदर में पानी जा रहा है, और ये पंप से जो निकल रहा है वो मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया है। अब प्री फिल्टर का जो आउटपुट का पाइप है इसको इस सिस्टम के अंदर में इंसर्ट करते हैं। अब इस सिस्टम को फिर से चला करके देखते हैं, जहाँ जहाँ लीकेज होगा उसको बंद करना है, और साथ में आपको इसका स्पीड दिखाते हैं।